चिट्टू, ए चिट्टू, 11 बज गया है, कुछ पढ़ना लिखना नहीं है क्या तुमको? बस दोपहर तक सो। भैया हम हैं मिडिल क्लास फैमिली वाले, और हमारी सुबह कुकुड़कू से नहीं शुरू होती है, मम्मी की चार बातें सुन के शुरू होती है। एक मिनट, नोटिफिकेशन तो चेक कर लें। अरे ये किसी दिन मेरा सेकंड हैंड फोन ना पक्का हैंग कर जाएगा। की दहाड़ खाना तक पहुंच गई है। पापा अभी तक आप ऑफिस नहीं गए। अबे तुम भी कोचिंग नहीं गए? मैंने तुमसे पूछा क्या? जरा सा छूट दो, नहीं बस बाप बनने लगते हो। सारा काम सुबह के सुबह मुझे ही करना रहता है, और इसको भी अभी आना है। भैया हम आपको रोज कहते हैं, आपको अगर प्योर दूध नहीं देना है तो कम से कम दूध में ही पानी मिलाया करिए, पर आपको तो पानी में दूध मिलाना रहता है। मम्मी जी देखो बस है, आजकल कोई गाय गोरू पाले नहीं चाहत है, आए और घी दूध दही मक्खन यू सबका गाय पिए चाहिए तो ये सब करे पड़त है मम्मी जी। मालूम नहीं तुम्हारी भैंसिया किस खेत की करबी खाती है, भरी दोपहरिया में दूध देती है। अमन अमन, अरे चिट्टू मुंह हाथ धोयो कि ऐसी जा रहे हो? चलो दीपा। अरे अरे तो ही रुक, कहाँ गंदे पांव लेके कहाँ घुसे जा रहे हो पोछे में? पोछा गंदा हो गया। अरे मम्मी अब क्या हम पैर बाहर रख के आते? तुम बाप बेटों को बस घर से जाने में टाइम लगता है, घर में आने में टाइम नहीं लगता है। मम्मी आप भी ना, ये स्कूल वालों को भी पता नहीं क्या है, बोर्ड एग्जाम के 2 महीना पहले ही सही घर में बैठा देते हैं। पापा आज रसमलाई लाने के मूड में है। अरे वो तुम्हारे लिए रसमलाई लाया हूँ। को देना है या फिर अपने कमरे में लेके जाएं? अपने कमरे में लेके जाओ ना, शेली कहाँ है? अभी सो रही है। अच्छा तो उसको अपने कमरे में ले जाओ, फिर मैं स्कूटर अंदर करके आता हूँ, वरना शेली जग जाएगी। पापा मत तो आओ भी ना। अरे जो खाना पीना है खा लीजिए, बाजार चलना है दिवाली की शॉपिंग के लिए। अरे यार देखो ऐसा है, स्कूटर भावा है कम, समझ रही हो, बाजार चलेंगे कल, अभी तुम जाकर सो जाओ, हम खाना पीना खा लेंगे, समझी? पता नहीं क्या बाप बेटे में खुसर खुसर चलती रहती है। रसमलाई चिट्टू बेटे,
इसमें देखो चार रसमलाई थी, दो तुम्हारे लिए थी और दो मेरे लिए थी, और तुम अपनी रसमलाई खा चुके हो, तो अब ये दो दीजिए। क्या है पापा की आज के जमाने में आप जैसा जिंदा दिल बाप कहाँ मिलता है किसी को? आपको हमारे भाग ऐसे मिले हैं आप, फिर हम थोड़ी ना चाहेंगे कि ये शुगर की बीमारी में आप रसमलाई खाएं और नॉट रीचेबल हो जाएं। इसीलिए हम जा रहे हैं शेरनी को बताने, और तब आपको एक भी नहीं मिलेगी इसमें से। अरे चिट्टू बेटा, तू कैसी बात करते हो, हम तुम्हारे तीन लाए थे। हाँ, हम अपने लिए तो खाली एक लाए थे, हमें पता है वो शुगर है, तो तीन तुम्हारे लिए एक मिले तो, पक्का ना? हाँ एक तो, वाह बेटा वाह। ओए मैथ क्या रही तुम्हारी? अबे मैथ का टेंशन नहीं है मुझे, मैथ तो तैयारी रहती है। हाँ यार वो समझने वाला सब्जेक्ट है, समझदार तो तुम बचपन से हो भाई। अबे साला मुझे ये नहीं समझ में आता कि तुम्हें केमिस्ट्री की इक्वेशंस कैसे याद हो जाती हैं। मैं तो सूरज उगने के बाद याद करता हूँ और डूबने से पहले ही भूल जाता हूँ। भाई मम्मी से कह दो बादाम खिलाएं तुमको, तुम्हारी याददाश्त कमजोर है ठीक है? अरे याददाश्त हमारी नहीं तुम्हारी कमजोर है, पिछले महीने दूध वाले के हिसाब कर दिया था। अरे अरे क्या कर रहे हो, छोड़ो चिट्टू को तो आ जाने दो, नहीं तो कुछ गड़बड़ा दोगे इसमें, सामान मंगवाने के पैसे डाढ़ चले जाएंगे। अबे यार ये दीपक हमेशा रहता है, आज फिर लेट हो गई। तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो अमन भाई? यार लड़कियां एग्जाम सेंटर में कभी टाइम से नहीं पहुंचती हैं, यहाँ कैसे एक फिक्स के टाइम पे आ जाती? हमें तुम लोग अभी तक वेट कर रहे हो, हमको लगा था तुम लोग चले गए होगे। चले ही जाते हम लोग, अभी टाइम ही आने का। अच्छा वैसे कहाँ रह गई थी तुम? डिंग डिंग 50 रुपये। अरे अच्छा हाँ, अबे वो आज सैटरडे है ना, लेकिन यार तुम्हारा कटोरा कहाँ गया? मतलब अबे सैटरडे है वो, सैटरडे अबे वो अल्लाह की नाम पे दे दिया वो करती है ना बक, इन्हीं पैसों के चक्कर में लेट हुआ है हमको आने में। पैसों के चक्कर में कैसे लेट हुआ? मामा का जाने का इंतजार बक, हाथ उधर रखो, मामा के जाने का इंतजार कर रहे थे, मम्मी बोली कि अभी मामा जाएंगे तो रुपए देकर जाएंगे, तो हम सोचे पैसे ले ले फिर चलते हैं। इनके मामा इनको खाली 50 रुपए देते हैं। 50 रुपए नहीं दिए थे, 200 रुपए दिए थे, बाकी के पैसे मम्मी रख ली हैं। चल चल चला पोहे तुम खिलाओगी, चल चल चलो चलो। अरे चिट्टू बेटा ला मैं काटू, अभी कट जाएगा यार, कट जाएगा। अरे पापा काटने की उम्र में कहां से कट जाएगा। ये पकड़ी यार। लो, अच्छा देखो क्या है। अरे ये तो साबुनदानी है। कहाँ लगाओगे इसको? अरे अरे बाथरूम में लगाएंगे और कहाँ, किचन में थोड़े लगा देंगे। हम भी तो वही कह रहे हैं, बाथरूम में लगाओगे पर कहाँ लगाओगे? एक मिनट, अरे एक मिनट रुकिए, पहले इसको मुझे बनाने दीजिए। हम बनाए? आपने मम्मी को बहुत बनाया है, अब प्लीज रुक जाइए, उनको बनाने दीजिए। गलत लगा रहे हो यार, ऐसे नहीं लगेगा बेटा। चिट्टू अच्छा इनिक दे दो, इनिक दे दो। एक काम कीजिए पापा, इसे भी आप ही बनाइए। कह रहे बेटा नहीं बनेगा तुमसे, हाँ जोड़ लो। अरे तो तुम ही जोड़ो, हमसे अरे ना जुड़ा। अरे यार इस यहाँ कहाँ घुसड़ गया यार, ये देखो एक है ना ये और एक इधर है, तो कैसे जुड़ेगा? है तो ऐसे जुड़ चुका, फिर तुम ही संभालो। नहीं अब नहीं, जोड़ लो जोड़ लो जोड़ लो, बताओ बताओ हम बताओ कैसे जोड़ लो। आप लोग चलिए वहीं जुड़ जाएगा, चलिए बात सुनो, चलिए। नहीं तो पता नहीं, एक तो काम करने कह दे, बार बार नौटंकी दिन भर रहती है। अरे भाई थोड़ा नीचे लगाओ तो बैठ के भी साबुन उठा पाएंगे। यहाँ थोड़ा ऊपर लगाओ। अरे थोड़ा नीचे लगाओ।
अरे नहीं यार, थोड़ा हाथ बैठ के, हाथ तो पहुंचे सामने उठा। अरे तू ऊपर लगा थोड़ा सा। हाँ हाँ। अरे ऊपर नहीं भाई, थोड़ा नीचे लगाओ तो बैठ के भी साबुन उठा पाए। अरे यार नीचे नीचे नहीं अच्छा रहेगा, वो वहाँ सही लग रहा है। नहीं तो कहा साबुनदानी में पैसा खर्चा किए, अगर इतना ही था तो ऊपर लिंटर ना बनवा लेते। भैया एक काम करो, तुम इन्हें मर के लगा दो, चलो इन्हें मर के लगाओ। नहीं मेरी नहीं, तुम अपने इनके इनकी इनकी बात सुनो। अच्छा भैया काम करो, जो ये कह रहे हो नीचे लगाओ, लेट के उठा। अरे बात सुनो, तुम काहे खोपड़ी टाटा खा रही हो मारी, जा तुम खाना भी ना बनाओ। चांद अभी हम यहाँ पे लगा रहे हैं, आप लोग लड़ना तो आप बाहर जाइए, आप जाके मेरे पेचकस लेके आइए बाबा प्लीज। अरे यार दीपक, हाई टेंडेंसी तुमको समझ में नहीं आती है ना, तो तुम्हें हम चार पांच क्वेश्चन बताएंगे, उनको तुम रट लेना बस, उसी में से एक ना एक फंस जाएगा एग्जाम में। चिट्टू, ए चिट्टू। ये चिट्टू क्या है मम्मी? अरे तुम्हारा नाम और क्या? अरे फोन चल रहा है मम्मी, और मेरा नाम अमन है। फोन चल रहा है तो तुम्हारा नाम घर वाला ही तो बुलाएंगे, स्कूल वाला फर्जी नाम तो बुलाएंगे नहीं। ए यार आप क्यों आई, आप ये बताइए। अरे अब वो मैं भूल गई किस लिए बुला रही थी तुमको, बीच में टोकना भी तो जरूरी रहता है ना तुम्हारा। अरे ठीक है मम्मी, जब याद आएगा तब आ जाइएगा प्लीज मम्मी, अभी आप जाइए। हाँ शनि भी है कॉन्फ्रेंस पर। हाँ बोलो। हाँ चिट्टू, और वो दूध का कप रखा है, पी लेना जा। चिट्टू दूध का कप पी, ये सब क्या है मम्मी? मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँ, और अब स्कूल में सब चिढ़ाएंगे, कितना बड़ा हो गया है वो भी दूध पीता है। मम्मी अभी आप जाइए, मैं दूध पी लूंगा प्लीज। पी ले। हाँ हेलो। अरे यार वो मम्मी कह रही थी कि पापा के लिए दूध गर्म करके दे देना, वही। हाँ हाँ तो वही मैं कह रहा था। अरे आज तुम्हार भैंसिया सुबह सुबह ही दूध दे दी। अरे मम्मी जी एक बात बताओ, का हमसे कोनो तकलीफ है का आपका? आए सवेरे दूध लाई तो आपका दिक्कत, दोपहरियम लाई तो दिक्कत। अरे चिट्टू बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी कोचिंग छोड़ देता हूँ। क्या 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 कह रहे? अरे यही चलो, तुमको आज मैं कोचिंग छोड़ देता हूँ स्कूटर से। अरे पापा आप बिना दो कदम पे कोचिंग में चला जाऊंगा। मुझे पता था तुम मना कर दोगे। अरे ऐसी कोई बात नहीं पापा, वो एक्चुअली दीपा आएगी ना तो उसी के साथ जाना, इसीलिए कह रहे थे। वो नहीं आएगी। आपको कैसे पता? फोन आया था इसके फोन पर। अब मेरा नंबर उसके पास तो है नहीं, जाहिर सी बात है कि तुम्हारे फोन पर आया होगा। तो आपने उसे क्या कहा? यही कि तुम वॉशरूम में हो। थैंक गॉड मम्मी ने फोन नहीं उठाया। एक मिनट, आपने एग्जैक्ट लाइन क्या बोली थी? यही हमने कह दिया था बेटा कि तुम लैट्रिन में हो और आज वो मेरे साथ स्कूटर से जाएगा कुछ। क्या आपने एक लड़की से बात करते वक्त लैट्रिन शब्द का यूज किया? अभी तो आपने वो बोला था कि आपने वॉशरूम बोला था। अरे यार वो पहली बार बहू से बात कर रहा था ना तो थोड़ा सा नर्वस आ गया था। अरे आज तुम लोग को जाना नहीं है क्या? मुझे नहीं जाना है कोचिंग। देखो बेटा बाप बाप होता है, बाप से पंगा नहीं लेना चाहिए। पापा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? बेटा आज के जमाने में तुझ जैसा इतना जिंदा दिल इंसान और बाप से इतना मिलनसार कहाँ मिलता है ऐसा बेटा है? और फिर तुम तो बड़े भाग्य से मुझे मिले हो, तो मैं तो नहीं चाहूंगा ना कि एक कन्या के चक्कर में मेरा बेटा अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले। आप उठते हो या बुलाओ शेरनी को? अरे गेट खोलोगे क्या चिट्टू बेटा? तुम भी सुनिए। हाँ
अरे इधर से जाते वक्त नाई की दुकान पर इसके बाल कटवा दीजिएगा, ये सब शोभा नहीं देता है हम मिडिल क्लास वालों को। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। क्या इनका बस चले तो मेरी मुंडी कटवा दे पूरी। अरे यार हम पैदल ही जा रहे हैं पापा। तुम बैठो, हम छोड़ेंगे तुम्हें, चलो बैठो। अभी स्टार्ट हो जाएगी यार। हाँ बोलो। प्लीज पापा मान जाइए ना। क्या मान जाए बताओ, क्या मान जाए? स्कूल में सारे मेरे फ्रेंड्स हैं वो। तो हमारे साथ चलने बेइज्जती हो रही तुमको? नहीं बताओ, हमारे साथ चलने बेइज्जती हो रही है? आप समझते नहीं है पापा, वो समझाओ। वो क्लास के बाद मजाक उड़ाते हैं। क्या कि तुम इतने बड़े हो गए, तुम अपने पापा के साथ आते हो तो क्या चाहते हो, तुम्हारे गाड़ी अलग खरीदे? चलो ठीक है ठीक है, आज तुम्हें छोड़ूंगा, आज तुम्हें छोड़ूंगा। पापा पापा प्लीज पापा यहाँ छोड़ दीजिए, पापा पापा हम चले जाएंगे, प्लीज पापा 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 यहीं छोड़ दीजिए, पापा प्लीज 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 कोचिंग मत जाइए पापा प्लीज। चलो ठीक, आज तो मैं यहीं छोड़ दे रहा हूँ बेटा, लेकिन हाँ शाम को 4 रसमलाई ले आऊँगा, ये सीन याद रखना। चिट्टू बेटे मैं बाहर आ गया हूं, और रसमलाई ले जाओ। अरे आप रोते ही रहोगे जमीन पर गिरी रसमलाई को देखकर, या घर के अंदर भी चलोगे? मम्मी आप बाहर कैसे आई? मम्मी शुगर के मरीज हैं, मेहमान थोड़ी है हमारे, आदमी है हमारे, तो रोज को इनको चोरी से रसमलाई थोड़ी खाने देंगे हम। चिट्टू स्कूटर अंदर करके और पापा को सदमे से बाहर निकाल के लेके आओ। अरे चलिए। कहाँ चले? अब आधी रात में भी भूत प्रेतों की तरह भटकता है। अरे यार अब बिस्तर पे टॉयलेट तो नहीं कर सकते ना यार। तुम सुनो, आंखें बंद करके सोया करो, कंफ्यूजन पैदा होती है। चलो चलो। चिट्टू अभी तक जाग रहे बेटा? अबे सो जा यार। नहीं पापा अभी थोड़ा मुंह हाथ धोके थोड़ी देर पढ़ूंगा। अबे इतना पढ़ लिख लोगे तो हमारे जैसे कलर कलर बन जाओगे, समझे? सो जाओ। पापा आप क्या रात को मुंह लग रहे हैं मेरे, अब जिस काम के लिए उठे करिए ना।
अरे भैया ये परवल कैसे दे रहे हो? अरे भाभी जी एकदम ताजा और तरीन परवल हैं, एक बार ले जाके तो देखिए। हम यही सुन के पिछले हफ्ते लेके गए थे परवल यहाँ से, सारे अंदर से पके निकले परवल। अरे भाभी जी आप दो हफ्ते पहले यहाँ से कैसे सब्जी लेके चली गई? दुकान तो हम दो दिन पहले यहाँ से लगाए। अच्छा अच्छा पैक कर दो 250 ग्राम। अरे भाभी जी परवल आपको लेना है 250 ग्राम, बातें आप हजारों लाख वाली कर रही हैं। घर से निकलो नहीं कि फोन पे फोन आने लगते हैं। हेलो। हाँ सुष्मी, अरे हम ये कह रहे हैं हम ऑफिस जा रहे हैं तो घर की चाबियां ना वो हमने चिट्टू के पुराने जूते में रखी है। हेलो थोड़ा तेज बोलो, सुनाई नहीं पड़ रहा है। हम ऑफिस जा रहे हैं, घर की चाबियां चिट्टू के पुराने जूते में रखा है, ठीक है? अरे सुनाई नहीं पड़ रहा है, जोर से बोलो। अरे यार बहरी हो क्या यार? हम ये कह रहे हैं कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, घर की सारी चाबियां चिट्टू के पुराने जूते में है। हाँ हाँ जोर जोर से बोल के पूरे मोहल्ले को जनवा दो, भोपू लगा के बोलो तुम। खुद तो बहरी बनी पड़ी है। इनका बस चले तो पूरा घर ही लुटवा दें। हाँ ये 2015 2016 2017 2018। अच्छा विधायक जी गौरा वाले भी आ रहे हैं। और ये रही दो दिन बाद आने वाली मेरी बर्थडे की लिस्ट। चिट्टू आ बेटा, वो बर्थडे की लिस्ट तैयार कर ली जाए, आ जाओ दो दिन बाद तुम्हारा बर्थडे है ना। आओ। लग रहा है पापा इस बार मेहमानों को बुला ही लेंगे, खूब सारे गिफ्ट मिलेंगे। और सुनो अगर तुमने कोई लिस्ट बना रखी है ना तो वो भी लेके आना। हाँ हाँ लाए पापा। आ जा बेटा आ जा। ये लीजिए पापा, ये इस साल की लिस्ट है 2019 की। अरे पापा बाकी साल छोड़िए, आप 2019 का देखिए ना पापा, इस बार तो सेलिब्रेट करेंगे ना। अरे तब ये कह रहे थे एक तो तुम्हारा ये जो बर्थडे आता है महीने का आखिरी में आता है, और आधी सैलरी तो मतलब आधे महीने तक ही खत्म हो जाती है, तो इतना बजट तो बेटा हमारा था नहीं। पापा से फिर मेरी क्या गलती? अच्छा सुनो तुम्हें काम करना, 1000 रुपया हमारा बजट था बेटा, तो तुम 1000 रुपया ले लो हैं, और जाकर अपने दोस्तों के साथ बर्थडे एंजॉय करो और अपने लिए गिफ्ट भी ले लेना। अरे शनि है दीपा है। बेटा चिट्टी ये लो दूध पी लो, अभी स्कूल भी तो जाना है। ए चिट्टी के पापा ऑफिस नहीं जाना है क्या आज? भैया हम हैं मिडिल क्लास आदमी, शुरू में आपको बताए थे ना हमारी जिंदगी में कुछ खास नहीं बदलने वाला। अरे स्कूल जाने के लिए उठाया जाता था, अब ऑफिस जाने के लिए जगना पड़ता। अरे आए